family? Where from? France. France? Yes. Oh, great. How many days? 1 month. 1 month? 1 month and a half, yeah. In Air Pakistan? लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इधर घोड़े भी खड़े हैं। मरी के लिए हम रवाना हो रहे हैं रावलपिंडी से, और आगे हम जाएंगे श्रीनगर हाईवे की तरफ, और श्रीनगर हाईवे से सीधा मरी की तरफ। जी तो अभी हम जहां गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अपनी बाइक, इसको दिया गया नाम अंगूरी रोड का। तो अभी तकरीबन श्रीनगर हाईवे स्टार्ट हो चुकी है, आगे मुजफ्फराबाद और मरी के बोर्ड। ये है जी पुल के नीचे मोटरवे का बड़ा खूबसूरत मंजर। हम जी जा रहे हैं मरी, और पहले हम जाएंगे पत्रियाटा। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर केबल कार पर सफ़र ज़रूर करें, बहुत खूबसूरत इलाका है। पत्रियाटा के जो पहाड़ हैं वो अक्सर बादलों में घिरे रहते हैं, और वहाँ पर इसके साथ सब्ज़ शादा बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, बहुत अच्छा मंज़र पेश करते हैं। इधर से आ रहे हैं भाई, इधर से? Where from? France. France? Yes. Oh, great. How many days? 1 month. 1 month? 1 month and a half, yeah. In Air Pakistan? Yes. Gilgit, Baltistan now. Oh, very good. In bicycle? Yes. Oh, what a great journey, yaar. What is this? Yes? Who is? No, no, no. Channel name, channel name. Okay. YouTuber? Okay. Nice. I am from Padran, Punjab. Okay. Multan. Uh-huh. Are you know? I heard. Yeah. Yeah, you hear. Okay, thank you so much. Okay. Bye. देखें जी, रास्ते में हमें वो एक फ्रांसीसी साइकिलिस्ट मिल गया है। उसने कहा है कि मैं पिछले एक माह से पाकिस्तान में हूँ, और गिलगित बल्तिस्तान से भी आ रहा था साइकिल पर। कमाल की बात है यार, हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है कि लोग तो बाहर जाते हैं हमारे पाकिस्तानी, और बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, लोग बाहर से यहाँ पर आते हैं विज़िट करने के लिए, और हमारे पाकिस्तानी हैं कि जब पैसे आते हैं बाहर चले जाते हैं, बाहर के इलाकों को देखने, बाहर के मुल्कों को देखने, जबकि अपने पाकिस्तान को पूरा नहीं घूमते। अब यही देख लें, अब श्रीनगर हाईवे देख लें कितना खूबसूरत है। अब ऊपर बादल हैं, साइडों पर पहाड़, इतने खूबसूरत दरख्त, कितना प्यारा मंजर पेश कर रहे हैं। कि आपको मरी जाने से पहले ना, आपको मरी के मुख्तलिफ मकामात का इल्म होना चाहिए कि कौन कौन से मकामात हैं मरी के इर्द गिर्द, इतने खूबसूरत हैं, और कहाँ कहाँ पर हम जा सकते हैं। हम तो जी जाएँगे सिर्फ पत्रियाटा, उसके बाद फिर जाएँगे मरी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर दूसरी सी जगह यहाँ पर घूमेंगे। तो खूबसूरत जगह है एक जी गलियात नंबर एक पर, इंतहाई खूबसूरत इलाका है, पूरा साल ये सयाहों से भरा रहता है। काफ़ी सारे यहाँ पर होटल हैं जो सयाहों को हर वक्त ओपन मिलते हैं, और सयाह वहाँ पर जाकर रहते हैं। सर्दी में भी काफ़ी सयाह वहाँ पर जाते हैं। उसके अलावा है जी छत्तर पार्क, ये रावलपिंडी से तकरीबन 37 किलोमीटर है। यहाँ पर एक साफ शफाफ झील है, जहाँ पर लोग कश्ती रानी के लिए और अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। उसके बाद आता है जी अयूबिया नेशनल पार्क, ये भी तकरीबन 17 समंदर से 8 हज़ार मंदिर पर है। काबिर भाई कैसा फील कर रहे हैं हमारी आज? यार जबरदस्त है यार, वैसे नारान यहाँ जितने मतलब मौसम ठंडा था ना, हाँ जी यहाँ पर बिल्कुल वही आया टेम्परेचर। यहाँ की रोड कंडीशन कैसे लगी आप? हाँ, रोड कंडीशन बहुत प्यारी है, बहुत बेहतर है। क्या लगा हम लोगों ने चाहेंगे अपने व्यूअर को? यही कहूँगा कि जो लोग नारान कागान और उधर बाबू साहब टाप वगैरह नहीं जा सकते, तो उनको इधर आना चाहिए, क्योंकि आजकल तक का माहौल बड़ा ज़बरदस्त बन गया है, रोड भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पिंडी से तकरीबन अगर आप बाइक पर भी हो ना, तो आप 1.5 से 2 घंटे में आराम से पहुंच जाते हैं, और बाइक ट्रैक इतने ज़बरदस्त बने हुए हैं ना कि बस क्या कहूँ। लाइट लैंडिंग का भी खतरा नहीं होता, हाँ इधर लैंड लैंडिंग का खतरा भी नहीं है, और वन वे टोटल बने हुए हैं, बहुत चौड़े रोड बना दिए गए हैं, बहुत खूबसूरत एरिया है। टेम्परेचर मैं आपको फिर बता दूँ कि टेम्परेचर आज का जो है, पहले का मुझे नहीं पता, जब हम नारायण गए थे 2-3 दिन पहले, तो बिल्कुल मुझे ऐसे फील हो रहा है कि नारायण कभी एक दो। हाँ।
ऐसा पेपर लगा के इन्होंने चेयर दिया। हाँ बिल्कुल खूबसूरत देखें, हर साइड पर दरख्त ही दरख्त है और ये रोड भी बहुत अच्छा बना है। ये एक्सप्रेस वे से नीचे तकरीबन 6 किलोमीटर नीचे है। रश की वजह से थोड़ी थोड़ी देर बाद रोड ब्लॉक हो जाता है, हम तो बाइक पर हैं साइड से रास्ता में मिल जाता है। ये जी हम पहुंच गए हैं बिल्कुल पत्रियाटा एडवेंचर पार्क, ये आप बोर्ड आपके सामने, लोग फैमिलीज के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें ये बंदा भी फैमिली के साथ जा रहा है। अच्छा आगे गाड़ी को पार्क करने की जगह भी है, कुछ लोग कहीं पर भी साइड पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, फिर साइड के नज़ारे देख कर फिर जाते हैं आगे। तो आगे है नीचे जी, ये देखें जी ये गाड़ी पार्क करने की जगह है और हम भी यहाँ पर अपनी बाइक पार्क करेंगे। हाँ जी व्यूअर, तो अभी हम पहुँच गए हैं पत्रियाटा, यहाँ पर चेयर लिफ्ट लेंगे इंशाल्लाह। ये हमने गाड़ी पार्क कर ली है, बाइक अपनी इधर जगह है गाड़ी गाड़ियों को पार्क करने की, और इधर ऊपर है जी चेयर लिफ्ट, इधर है ऊपर ऊपर में। हाँ बिल्कुल ऊपर ही है, तो अभी हम चलते हैं वहाँ चेयर लिफ्ट वाली साइड। चेयर लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, इधर ग्रीनरी देखें जी, मौसम बहुत ही प्यारा है, झूले वगैरह भी बच्चों के लगे हुए हैं और यहाँ पर फैमिलीज के लिए बहुत आला सिस्टम बना। देखें जी बहुत प्यारी प्यारी शॉप्स भी बन गई हैं, चढ़ाई पर हम थोड़ा सा हमारा सांस खुल चुका है। देखें जी ये बच्चों के खिलौने ज़्यादातर लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इधर घोड़े भी खड़े हैं, इधर इसने घोड़सवारी करनी है। साबर भाई किधर जा रहे हैं आप? रश है जी बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं ये टिकट लेने के लिए ऊपर खरीदना है, तकरीबन तीसरा चौथा हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। बच्चों के लिए झूले भी बहुत ज़्यादा हैं, ये देख रहे हैं बच्चे महदूद हो रहे हैं, काफ़ी रश है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रश है। वैसे मैं खूबसूरत बनाई हुई है जगह, ये झूले ये अभी भी ऊपर भाई। पांचवा बोर्ड वैसे मैंने पढ़ लिया है कि अगले टिकट के लिए ऊपर जाएं, पता नहीं अभी कितना ऊपर जाना है, जाएंगे तो पता चलेगा कि आज कल टिकट कितने का है। लास्ट टाइम तो 250 का था मेरे ख्याल में। ये जी समी खान गया हुआ है काउंटर पर टिकट लेने के लिए, तो अभी देखते हैं क्या करना है। बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है जी, फैमिलीज बहुत सारी आई हुई हैं और आना भी चाहिए, यहाँ पर आप बच्चों को लेकर आ सकते हैं। ये देखें जी टेबल कार तो है बंद, सिर्फ चेयर लिफ्ट चल रही है, ये आप मेरे ऊपर देख सकते हैं। तो उधर रश है बहुत ज़्यादा और टेबल कार जो है वो भी बंद हुई है, ये चेयर बच्चे डरे हुए हैं देख यार, नीचे देख भी नहीं रहे। ओ बहुत अफसोस हुआ यार, हमने तो केबल कार पर बैठना था, तो अभी केबल कार की खराब बर्बाद थी, रश की हद से जा रही है। हाँ जी झूलू पर बैठे बच्चों का शोर सुने, ऐसे चीख रहे हैं, कोई मज़े से चीख रहा है और कोई शायद डर रहा है। पटा का विज़िट जो हमारा होता है तमाम, आपको कैसा लगा ये सब, मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और फिर हम आगे चलते हैं मरी की तरफ।